Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. Guys, आज आपको लेके आया हूँ स्वभाव चिदम्ब। की स्थापना हुई थी जयरामपुरा जी महाराज जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। सात दिन का ये सप्ताह यज्ञ है, 21 कुंडलात्मक यज्ञ है। यज्ञ कितनी बजे स्टार्ट हुआ था? यज्ञ सुबह 8 बजे प्रारंभ हो गया था, सुबह 12 बजे तक चलता है। उसके बाद में खटा होती है, राम मंचन होता है, यज्ञ का हवन होता है, आरती होती है, महाआरती होती है, फिर स्टार्ट होगी। हाँ, 3 बजे से 6 बजे तक आरती स्टार्ट होगी। आरती पूजा हवन हवन स्टार्ट होगा, हवन होएगा। फिर से बता रहे हैं कि फिर से 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हवन स्टार्ट होगा। शाम को सुंदरकांड का पाठ भी होगा वैदिक विद्वानों के द्वारा, आचार्य रामबाबू जी भारद्वाज के सानिध्य में। गितिस पंडित है, गितिस पंडित के द्वारा यहाँ पे महायज्ञ की स्थापना हुई है। तो आप देख सकते हो जो मेन महाराज थे यहाँ पे, वहां उनकी भी गद्दी आपको दिखा के आऊंगा। काम कर रहे हैं क्योंकि 3 बजे के बाद बस यज्ञ स्टार्ट होने वाला है। तो यज्ञ में बैठेंगे 3 से लेकर 6 बजे तक यज्ञ होगा। मेन पंडित जो है उनसे बात कराते हैं। ये सप्तदिवसीय है, सप्तदिवसीय 21 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ सोभावती धाम में हो रहा है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। जो यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं वो मेरे को 42 साल हो गए यहाँ पे। बचपन से हूँ मैं यहाँ। यहाँ क्या मावस के दिन होती है ना, मावस्या के दिन बहुत प्रोग्राम अच्छा है। मावस के दिन काफी अच्छा प्रोग्राम। हाँ जी, कह रहा है कि 1000 साल पुराना ये प्राचीन मंदिर है। तो चलते हैं और महाराज जी से मिलते हैं। गुरु जी आशीर्वाद देने के लिए गए हैं, अभी 2 मिनट में आ जाएंगे। ये नए महाराज की गद्दी है, वो उधर पुराने महाराज की। कुंड तो देखा होगा लेकिन 1000 साल पुराना कुंड नहीं देखा हुआ। पानी नहीं है, पानी किस दिन होता है? पानी बरसात में हो जाता है। वैसे पानी अभी बंद है लेकिन पानी तो बढ़ जाता है, इसके अंदर बरसात होती है। बरसात के टाइम बता, पानी बताना था इसके अंदर। अभी 2 साल से पानी नहीं है। 2 साल से क्यों बंद कर दिया इसको? वो जमीन से ही आता था पानी, बारिश की वजह से नहीं आ रहा। अभी लेके चल रहा हूँ आपको समाधि स्थल। समाधि हुई थी यहाँ पे और यहाँ पे गौशाला भी है। आप देख सकते हो यहाँ पे गौशाला भी है और ये कुंड है। जब बरसात का पानी होता है तो यहाँ पे कुंड भरा होता है। टॉयलेट वॉलेट की सब कुछ व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे और काफी शानदार किया है।
जी महाराज नाम का, सोभागवती धाम श्री जयराम दास जी गौशाला है, श्री राम महायज्ञ सात दिवसीय 10 जून से 16 उसकी परिक्रमा में महायज्ञ हो रहा है सोभागवती धाम पे। इस पर सेवा कर रहे हैं, यज्ञ में बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं भगवान का। जय राम दास जी महाराज की जय। इनका और हर साल ये सेवा करने के लिए आते हैं बड़ी दूर से, और रानवली यहाँ से करीबन 16-17 किलोमीटर है, 16-17 किलोमीटर यहाँ सेवा करने आते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे काम करा के बहुत ही दिल की फील में बहुत ही महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है यहाँ पे काम कराने के। और यहाँ पे देख सकते हो लड्डू तैयार हो रहे हैं, लड्डू है, कल फरसादी के तौर पर इनको बांटा जाएगा। सभी रानोली के यहाँ पे सेवा पे इतनी सारी आपको चीजें देखने को मिल रही है, आप भी अपने अनुसार भंडारे में दान दे सकते हो। Never really know just what you want with you. यहाँ पे दोस्त मिले काफी सारे, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।
मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ गौशाला। यहाँ पे देख सकते हो, ये है गौशाला। I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. चलते हैं, काफी शानदार मजा आ गया।